जोहार छाकर, मैं आर कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के डेली लाइफ चैनल पे। शुरू करते हैं आज के 5 महत्वपूर्ण सुर्खियों से। देवघर SP कार्यालय में क्राइम बैठक का आयोजन, SP के द्वारा दिए गए कई निर्देश। जल्द लौटेगी साहिबगंज बंदरगाह की रौनक, कोलकाता से आए सदस्यों ने बंदरगाह का निरीक्षण किया। करोड़ों की लागत से बनने वाली क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण मानक के अनुसार नहीं, उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। जसेड़ी थाना क्षेत्र के बसुआडी में छड़ से लदे ट्रक की हुई लूट, 4 अपराधियों ने हथियार के दम पर इस लूट को अंजाम दिया। जामताड़ा का 7 साइबर अपराधी भूदेव मंडल गिरफ्तार। शुक्रवार देवघर जिला SP कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय सिंह के द्वारा क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देवघर जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर एवं SDPO मौजूद थे। इस मौके पर SP धनंजय सिंह के द्वारा विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने, पुराने और नए केस को जल्द से जल्द सुलझाने पर विशेष जोर दिया गया तथा सभी थाना अधिकारियों को दिए गए टास्क की समीक्षा की गई। इस अवसर पर देवघर पुलिस अधीक्षक ने अपराध पर अंकुश लगाने और पुराने मामलों के निष्पादन के लिए कई अहम सुझाव दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देवघर पुलिस का मुख्य उद्देश्य है अपराध पर अंकुश लगाना, इसलिए सभी थाना प्रभारियों और SDPO को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन हो एवं अपराध पर अंकुश लग सके। साहिबगंज सकरी गली में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह का निरीक्षण करने कोलकाता से 2 पदाधिकारी आए। पदाधिकारियों ने कहा कि यह बंदरगाह कई दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ यातायात की तीनों साधन, सड़क, रेल और जल मार्ग मौजूद है, जिससे आवागमन के साथ साथ खनिज की ढुलाई भी आसानी से की जा सकती है। झारखंड के खनिज एवं बिहार के उत्पाद को जल मार्ग से दूसरे प्रदेशों और देशों में भेजना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी सोर्स रिच एरिया में जहाँ पे काफी संभावनाएं हैं, जहाँ के व्यापार की और उद्योग की, सबसे जो प्रमुख जो कारण है उसके डेवलप ना हो पाने का, वो है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है नदी का, जिसके माध्यम से हम लोग सामान ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का भी जो फोकस है पूरा गति शक्ति पे, यहाँ पे इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, जहाँ पे रोड, रेल, वाटर तीनों की कनेक्टिविटी, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत अच्छा एक टर्मिनल फैसिलिटी बनी है, जिसको हम अभी एकदम फुली इसको फंक्शनल कराने के लिए, और इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये स्टडी करने, तो इसमें लिए मैं हम लोग कुछ भी देखना चाहते थे। प्लस यहाँ पे जो लोग इसको वो करेंगे, इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसको चालू करेंगे, उनका उनका भी फीडबैक लेना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है, तो वही प्रमुख उद्देश्य है हमारा। और इसका भी अभी टेंडर देखे और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर इसको चालू किया गया है, इसका टेंडर निकाला गया है, तो समटाइम नेक्स्ट मंथ इसका जो है इसकी बिल्ड खुलेगी। तो हम चाह रहे हैं पूरे पूरे क्षेत्र का ही सतत विकास होगा। जैसे NHAI का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे ब्रिज भी बनेगा, और ये जो क्षेत्र है एक फर्टाइल एरिया है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी है, स्टोन एग्रीगेट का इम्पोर्ट भी आता है, कोल आता है, और बिहार साइड से जो मक्का है वो भी जाता है। तो अभी हमारे पास कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है लाने के, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप किया गया है, ताकि वहाँ के यहाँ का रॉ मटेरियल जो भी प्रोड्यूसर जा सके बाहर, बाहर से जो माल आता है वो आ सके, तो इससे क्या होता है कि पूरा एक स्पिन ऑफ होता है, रोजगार जनरेट होगा, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट। बासुकीनाथ धाम नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर दुमका आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि 10 करोड़ 78 लाख की लागत से क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे संवेदक द्वारा जैसे तैसे पूरा कर सौंपने की तैयारी की जा रही है, जबकि DPR में संस्कार भवन के ऊपर से कांवरियों को उतरने की व्यवस्था की जानी थी, जिससे कांवरिया सीधा मंदिर प्रांगण में जाकर जल अर्पण कर सकते थे, परंतु संवेदक ने सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, कांवरियों को मंदिर तक जाने की ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। दुमका उपायुक्त ने क्यू कॉम्प्लेक्स से जुड़े अधिकारी एवं संवेदक को 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। देवघर जिला के जसीडी थाना क्षेत्र के बसवाडी मोड़ के निकट छड़ से लदे ट्रक की लूट का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसीडी पुलिस ने लूटे हुए ट्रक को लावारिस हालत में भागलपुर से बरामद किया है। ट्रक बुधवार रात को गिरिडीह स्थित मोंगिया स्टील प्लांट से लगभग 20-25 टन छड़ लेकर भागलपुर जा रहा था।
इस दौरान देवघर बसवाडी मोड़ के समीप सफेद स्कॉर्पियो में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने हथियार के दम पर ट्रक को रुकवाया और ट्रक ड्राइवर तथा क्लासी को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो के पीछे डाल दिया। उनमें से एक अपराधी ट्रक को चलाते हुए भागलपुर की ओर ले गए। स्कॉर्पियो में सवार अपराधियों ने ट्रक के चालक और उपचालक को बाका के समीप जंगल में छोड़ दिया और फरार हो गए, साथ ही उनका मोबाइल भी ले गए। लूट की वारदात की जानकारी ट्रक मालिक ने जेसीडी पुलिस को दी। इसके बाद ट्रक को भागलपुर के समीप बाईपास सड़क से बरामद कर जेसीडी लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा का सातेर साइबर अपराधी भूदेव मंडल गिरफ्तार। सातेर साइबर अपराधी भूदेव मंडल की गिरफ्तारी से पुलिस को राहत मिली है। साइबर अपराधी भूदेव मंडल साइबर अपराध का पुराना खिलाड़ी रहा हुआ है। इसे पुलिस ने साइबर अपराध के लिए 2017 में गिरफ्तार किया था। जेल से निकलने के बाद वह फिर से साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। जामताड़ा पुलिस को मिली गुप्त सूचना और लगातार ट्रैकिंग के आधार पर सत्यापन कर उसे गिरफ्तार किया गया है। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें डेली लाइफ। नमस्कार।